गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए पौराणिक तथा आधुनिक इतिहास से जुड़े कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आया हूं जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, मैंने आपसे पिछले वीडियो में ही कहा था कि ये हिस्ट्री के और एक पार्ट बनाऊंगा जिससे आपके इतिहास से जुड़े लगभग सभी क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएंगे। तो दोस्तों, ये वीडियो है जिससे आपके हिस्ट्री की लगभग सभी क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएंगे। तो ये वीडियो दोस्तों पूरी देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। तो चलिए इसे शुरू करते हैं। हड़प्पा के उत्थानकर्ता कौन थे? राय बहादुर दयाराम शाहनी। 1921 में इसने हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी। सिंधु सभ्यता की प्रमुख फसल थी गेहूं और जौ की। आर्य लोग सर्वप्रथम बसे थे पंजाब एवं अफगानिस्तान में। आर्य मूल निवासी थे मध्य एशिया के। आर्यों के सर्वाधिक प्रिय देवता थे इंद्र। आर्यों का प्रिय पशु था घोड़ा। वैदिक सभ्यता में तांबे को कहा जाता था लोहित अयस्क। सत्यमेव जयते लिया गया है मुंडकोपनिषद से। योग दर्शन के प्रवर्तक थे पतंजलि। सांख्य दर्शन के प्रवर्तक थे कपिल। न्याय दर्शन के प्रवर्तक थे गौतम। पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक थे जैमिनी। महाभारत का पुराना नाम था जय संहिता। महावीर का जन्म हुआ था कुंडग्राम वैशाली में 540 ईसा पूर्व। महावीर ने अपना उपदेश दिया था प्राकृत भाषा में। जैन धर्म के दो संप्रदाय थे श्वेतांबर और दिगंबर। प्रथम जैन सभा 322 ईसा पूर्व में हुई थी पाटलिपुत्र में चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। दूसरी जैन सभा 512 ईसा पूर्व में संपन्न हुई थी वल्लभी में गुजरात में। देवी धर्मिक्षा श्रवण अध्यक्ष थे उसके। जैन धर्म के त्रिरत्न हैं सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। महावीर के प्रथम अनुयायी थे जमाली, महावीर के जो दामाद थे। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास ज्ञात होता है कल्प सूत्र से। महावीर के जीवन कृत्यों का विवरण मिलता है भगवती सूत्र में। जैन साहित्य को कहा जाता है आगम। गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था लुम्बिनी में कपिल वस्तु में। बुद्ध द्वारा गृह त्याग को कहा गया था महाविनिष्क्रमण। बुद्ध के प्रथम गुरु थे अलार कलाम। बुद्ध द्वारा दिया गया प्रथम उपदेश सारनाथ में क्या कहलाया था? धर्मचक्र प्रवर्तन। बुद्ध के उपदेश की भाषा थी पाली। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए थे श्रावस्ती कौशल में। बुद्ध की मृत्यु को कहा गया है महापरिनिर्वाण। बौद्ध धर्म को ग्रहण करने वाली प्रथम महिला थी गौतमी। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं बुद्ध, धम्म और संघ। दोस्तों, नीचे बौद्ध सभाएं दिए गए हैं किस समय ये हुई थी और किस स्थान में और किसके शासनकाल में और उसके अध्यक्ष कौन थे। तो दोस्तों, ये आप लोग एक बार देख लीजिएगा। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे ऋषभदेव। जैन धर्म के अंतिम या 24वें तीर्थंकर थे महावीर। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे मक्खिलपुत्र गोशाल। इस्लाम जगत में खलीफा पद 1924 ईस्वी में समाप्त करने वाला शासक था मुस्तफ़ा कमाल पाशा। हिजरी संवत का आरंभ हुआ था 622 ईस्वी में। ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाया गया था 33 ईस्वी में। अजात शत्रु का उपनाम था कुणिक। पाटिल ग्राम का संस्थापक था उदयन। सिकंदर और पोरस के बीच के युद्ध को कहा जाता है हाइडेस्पीज का युद्ध। सिकंदर ने भारत विजय अभियान शुरू किया 326 ईसा पूर्व में। हर्यक वंश का संस्थापक था बिंबिसार। चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म की शिक्षा ली थी भद्रबाहु से। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु 298 ईसा पूर्व में हुई थी श्वेनवेलगोला कर्नाटक में। बिंदुसार को कहा जाता है अमृत घात। भारत में शिलालेख का प्रचलन शुरू किया था अशोक ने। कौशाम्बी अभिलेख को कहा जाता है रानी का अभिलेख। अशोक का सबसे लंबा अभिलेख है सातवां अभिलेख। अशोक का नाम अशोक मिलता है मास्की एवं गुर्जरा अभिलेख में। नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? घनानंद। अशोक ने बौद्ध धर्म की शिक्षा ली थी उपगुप्त से। सांची का स्तूप बनवाया था अशोक ने। अशोक ने धम्म स्वीकार किया था कलिंग युद्ध 261 ईसा पूर्व के बाद। श्रीनगर का संस्थापक था अशोक। मौर्य वंश का अंतिम शासक था बृहद्र। शुंग वंश का संस्थापक कौन था? पुष्यमित्र संघु शुंग। भरहुत स्तूप को बनवाया था पुष्यमित्र शुंग ने। सर्वप्रथम चांदी के सिक्के का प्रचलन किया था सतवाहन शासक ने। सतवाहनों की प्रमुख स्थापत्य कृति है कौरले का चैत्य अमरावती कला का विकास। भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी किए थे यूनानियों ने। कनिष्क का राजकवि था अश्वघोष।
कनिष्क के राजवैद्य चरक द्वारा लिखी गई पुस्तक है चरक संहिता। भारत का आइंस्टाइन कहा जाता है नागार्जुन को। ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत का आइंस्टाइन किसे कहा जाता है, तो ये आप जरूर याद रखिएगा। कला की गंधार शैली तथा मथुरा शैली का विकास हुआ था कनिष्क के शासनकाल में। गुप्त वंश का संस्थापक था श्रीगुप्त। दोस्तों कोई कुछ ये क्या बोलते हैं, कुछ कुछ दोस्तों इसे ये चंद्रगुप्त भी मानते हैं, लेकिन असली में श्रीगुप्त ही इसके शासक है। चंद्रगुप्त अगर ऑप्शन में आए, अगर श्रीगुप्त ना रहे तो आप लोग चंद्रगुप्त टिक कीजिएगा, नहीं तो श्रीगुप्त ही होगा। समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था हरिसेन। चंद्रगुप्त टू के शासनकाल में भारत आने वाली चीनी यात्री थे फाहियान। नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक था कुमारगुप्त। चंद्रगुप्त दो के शासनकाल में संस्कृत के प्रसिद्ध कवि थे कालिदास। चंद्रगुप्त दो के दरबारी आयुर्वेदाचार्य थे धन्वंतरी। गुप्तकाल में विष्णु शर्मा द्वारा लिखित पुस्तक जो बाइबल के बाद विश्व का दूसरा स्थान रखता है वो है पंचतंत्र, जो कि संस्कृत भाषा में लिखा गया है। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है सर्वप्रथम किसने बताया था, आर्यभट्ट ने गुप्तकाल में बताया था। भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है गुप्तकाल को। भारतीय मंदिर निर्माण एवं दशमलव प्रणाली का जन्म हुआ था गुप्तकाल में। स्कंदगुप्त के शासनकाल में आक्रमण हुआ था हूणों का। बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक है घोड़ा, क्योंकि गौतम बुद्ध ने अपने घोड़े के साथ ही अपना घर त्याग किया था। हर्षवर्धन के प्रसिद्ध दरबारी कवि थे बाणभट्ट, जो कि हर्षचरित के लेखक भी है। चीनी यात्री हिवेंद्र संघ भारत आया था हर्षवर्धन के शासनकाल में। दुष्कुमार चरित के लेखक दंडी दरबारी कवि किसके थे, नरसिंहवर्मन द्वितीय के। कांची के कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था नरसिंहवर्मन द्वितीय ने। महाबलीपुरम के एकाश्रमक रथों का निर्माण करवाया था नरसिंहवर्मन प्रथम ने, जो कि पल्लवंश के थे। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माणकर्ता कृष्ण प्रथम था राष्ट्रकूट वंश के। पल्लवों की राजधानी थी कांची। एलोरा एवं एलिफेंटा गुहा मंदिरों का निर्माण हुआ था राष्ट्रकूट के समय। मिताक्षरा नामक ग्रंथ के रचनाकार थे विज्ञानेश्वर। एहोला अभिलेख का संबंध है पुलकेशिन टू से। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी धर्मपाल ने। पृथ्वीराज रासो के रचयिता है चंद्रवरदाई। भीम प्रथम के शासनकाल में सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था महमूद गजनी ने 1025 ईस्वी ने। अरबों ने भारत पर पहला सफल आक्रमण किया था मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में। अलबरनी फिरदौसी उतबी तथा फरूकी थे महमूद गजनी के दरबार में। गुलाम वंश की स्थापना 1206 ईस्वी में की थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुब मीनार की नींव डाली थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने। नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त करने वाला था बख्तियार खिलजी। कुतुब मीनार के निर्माण कार्य को पूरा करवाया था इल्तुतमिश ने। टोपी सिकर अपना जीवन निर्वाह करने वाला सुल्तान था नासिरुद्दीन मोहम्मद। लौह एवं रक्त की नीति का पालन किया था बलबन ने। अमीर खुसरो दरबारी कवि था किसका, अलाउद्दीन खिलजी एवं बलबन का। घोड़ा दागने एवं सैनिकों का हुलिया लिखने की प्रथम चलाई थी अलाउद्दीन खिलजी ने। तृतीय हिंद के नाम से जाना जाता है अमीर खुसरो को। पीतल एवं तांबा का सिक्का चलवाया था मोहम्मद बिन तुगलक ने। 1336 ईस्वी में स्वतंत्र राज्य विजयनगर की स्थापना की थी हरिहर एवं बुक्का ने। पगला यानी सनकी सुल्तान किसे कहा जाता है, मोहम्मद बिन तुगलक को। विजयनगर की राजधानी क्या थी, हम्पी। लोधी वंश का संस्थापक कौन था, बहलोल लोधी। आंध्रभोज कहा जाता है कृष्णदेव राय को। 1448 में चित्तौर में विजय स्तंभ की स्थापना की थी राणा कुंभा ने। मुगल वंश का संस्थापक कौन है, बाबर। हुमायूं नामा की रचना कौन की किसने की थी, गुलबदन बेगम ने। तेलानी रामा किसके दरबारी कवि थे, दरबारी थे कृष्णदेव राय के। लाख बख्श कहा जाता है कुतुबुद्दीन ऐबक को। बाजार नियंत्रण व्यवस्था लागू की थी अलाउद्दीन खिलजी ने। बहमनी साम्राज्य की राजधानी थी गुलबर्गा। आगरा नगर की स्थापना 504 ईस्वी में की थी किसने, सिकंदर लोधी ने। अमीर खुसरो के गुरु कौन थे, निजामुद्दीन औलिया। खुजराहो मंदिर बना है नागर शैली में। अशोक के अभिलेख में लेख को सर्वप्रथम 1837 में पढ़ा था जेम्स प्रिंसेप ने। विक्रम संवत प्रारंभ हुआ था 58 ईस्वी पूर्व में। राष्ट्र पंचांग आधारित है शक संवत पर। इक्ता सेना का गठन किया था इल्तुतमिश ने। गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था, तलवंडी में। होयसल वंश की राजधानी थी द्वार समुद्र। अकबर की मां का नाम था हमीदा बानू। दिल्ली सल्तनत की स्थापना 1206 ईस्वी में की थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने। तुगलक नामा के लेखक कौन है, अमीर खुसरो। सैयद वंश का संस्थापक कौन था, खीज खां।
दिल्ली का पहला मुसलमान शासक था कुतुबुद्दीन ऐबक। मंदिर निर्माण कला में विमान शैली का प्रचलन हुआ था चोल वंश के शासन में। सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद। भारतीय संगीत का जनक है सामवेद। गद्य एवं पद्य वाला वेद है यजुर्वेद। तंत्र मंत्र वाला वेद है अर्थवेद अथर्ववेद। सबसे प्राचीन पुराण है मत्स्य पुराण। पुराणों के रचयिता थे लोमहर्ष एवं उग्रशवा। स्मृतियों ग्रंथों में सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक है मनुस्मृति। सिंधु सभ्यता की लिपि थी भाव चित्रात्मक। इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? हेरोडोटस को। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? कृषि करना। सर्वप्रथम पालतू बनाया गया जानवर है कुत्ता। सिंधु सभ्यता की प्रमुख विशेषता थी नगर योजना। सिंधु सभ्यता थी आदि ऐतिहासिक या कांस्य युगीन। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह था लोथल जो कि गुजरात में है। सिंधु सभ्यता का सर्वमान्य काल है 2350 से 1750 ईसा पूर्व। हड़प्पा स्थित है रावी नदी के तट पर पाकिस्तान के मोंटगोमरी जिला में। मोहनजोदारो स्थित है सिंधु नदी के तट पर पाकिस्तान के लड़काना जिला में। मोहनजोदारो से प्राप्त प्रमुख स्मारक है वृत्त स्नानगर। हड़प्पावासी अनभिज्ञ थे लोहा से। हड़प्पा के उत्थानकर्ता थे राय बहादुर जो कि रिपीट हो चुका है। सब रिपीट है नीचे। तो दोस्तों यही क्वेश्चंस थे हिस्ट्री के इम्पॉर्टेंट जो कि आपके सभी एग्जाम्स के लिए ही इम्पॉर्टेंट है। तो दोस्तों ये अगर आप लोग वीडियो देखते हैं तो आपका लगभग 90% इतिहास से जुड़े सभी क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाते हैं। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा और अपने दोस्तों तक शेयर कीजिएगा। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।